हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। प्लीज आइए। हाय गाइस, हैप्पी दिवाली टू ईच एंड एवरीवन। सो बस मैंने सुबह सुबह नहा लिया है और शावर लेके थोड़ा सा फूल वगैरह लेने जाना है मार्केट, तो वो लेने जा रहे हैं हम लोग। और बस उसके बाद घर को सजाएंगे, रंगोली बनाएंगे, तो पूरा व्लॉग करने वाली हूँ, आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए चलते हैं अभी कलर्स वगैरह लेने, माला वगैरह लेने। ये है हमारी कार और अभी हम लोग फूल माला लेने किससे जा रहे हैं, बाइक से। सो गाइस, क्या हुआ कि घर में कहीं पे ना पूजा की थाली और कुछ दिए एक बॉक्स में कहीं रखा गया जो कि नहीं मिल रहे थे सफाई होने के बाद भी। तो आई थॉट कि ये खाली खरीद लिया जाए, बोलते ना जहाँ चाहे वहाँ रहा है। तो फाइनली मुझे थाली मिल गई, उसके बाद अखंड दिया के लिए मैंने यहाँ से दिया लिया एंड घर में जो पूजा का सामान चाहिए था, बताशा और जो भी चढ़ता है माता को, वो सब लिया। एंड उसके बाद मैंने यहाँ से फ्लावर भी खरीदा, पर मैंने ना ज़्यादा फ्लावर्स नहीं खरीदे, बस पूजा के लिए जो फ्लावर चाहिए वही खरीदे। बाकी मेरे पास आर्टिफिशियल गार्लैंड था तो मैंने सोचा उसी से मैं घर सजाऊंगी। तो बस एक हाथ जो माला मैंने भगवान मंदिर में लगाने के लिए चाहिए थी वो खरीदी और सब कुछ खरीद के मैंने फटाफट घर पहुंची। सो गाइज, मैंने घर पहुंच के फटाफट लिविंग रूम में सारी चीज़ें प्लेस करना स्टार्ट किया, मैट्स हो गए, कुशन कवर हो गए और डेकोरेशन स्टार्ट किया। तो डेकोरेशन कैसे किया उसका वीडियो मैं क्लिपिंग्स नहीं ले पाई हूँ, बट आपको आगे वीडियो में डेकोरेशन देखने को मिलेगा। एंड लिविंग रूम जो हमने मेकओवर किया उसका भी वीडियो जल्दी से जल्दी मैं डालूंगी। एंड यहाँ पे ना मैं क्या कर रही हूँ कि ये जो कांच का टेबल था हम लोग का टी टेबल, उस पर मैंने क्या किया कि ये लाइट्स मेरे पास पड़ी थी फेरी लाइट बैटरी ऑपरेटेड, तो उसको मैंने स्टिक कर दिया चारों ओर, तो जिसके कारण अब उसके ऊपर मैं जब टेबल क्लॉथ डालूंगी ना तो वो अंदर से लाइट बहुत सुंदर दिखेगी। और इसको ऐसे मैंने प्लेस कर दिया है। अब मैं फटाफट सारा डेकोरेशन कंप्लीट करके रंगोली मैं बना रही हूँ ताकि फटाफट मैं पूजा के लिए टाइम पे रेडी हो पाऊँ। एंड इस बार मैंने कुछ नहीं सोचा है, बस मैं अपने हिसाब से फटाफट जो समझ में आ रहा है वो रंगोली में बना रही हूँ। सो गाइज, इस बार मंदिर के डेकोरेशन में देवीस ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प की है मेरी। एंड यहाँ पे हम लोग ने इस बार सिल्वर की मूर्तियाँ रखी है लक्ष्मी सरस्वती गणेश जी की। एंड यहाँ पे ये फ्लावर वाला डेकोरेशन ये फीक गार्लैंड से ही बनाया है। एंड ये जो दिए वाली लाइट देख रहे हैं ना, तो ये लाइट मैंने गड़ियाहाट से ही ली थी। एंड ये पीतल की थाली जो मैं लेके आई थी, इसमें सब कुछ रखा हुआ, कितना सुंदर लग रहा है ना। एंड गाइज, इस साल हमने अपने मंदिर को ऐसे सजाया था, सिंपल एंड ब्यूटीफुल। एंड साइड में मैंने ये कैंडल डाल दी थी ताकि साइड में भी कुछ अच्छा लगे जो पूजा के आसपास। और बस आरती हो रही है यहाँ पे एंड ये हूँ मैं क्लिपिंग्स लेते हुए। एंड पूजा के बाद आप लोग के यहाँ भी शुभ लाभ तो गेट पे लिखा ही जाता होगा, वैसे ही यहाँ पे दिव्य शुभ एंड लाभ लिख रहे हैं गेट पे एंड स्वास्तिक बना रहे हैं। तो ऐसा रिचुअल्स होने के बाद अब हम देखते हैं कि हमने घर को कैसे सजाया है। सो गाइज, इस बार की रंगोली ऐसी लग रही है, मैंने सिंपल सी रंगोली बनाई है। आप लोग बताइए कि आप लोग को कैसी लगी इस साल की मेरी रंगोली। एंड यहाँ पे ना मैंने रंगोली के आसपास ऐसे फ्लावर्स बचे हुए थे तो उसको ऐसे लगा दिया है और दिए लगा दिए हैं, ये मटकी वाले दिए जो मोम वाली कैंडल के साथ मिलते हैं। और नीचे वॉल पे ना ये ऐसे फेक गार्लैंड लगा दिया है। एंड सामने यहाँ पे मैंने चरण बना दिए, ये जो पॉट में पृथ्वी रंगोली बना रहा था उसी को मैंने डेकोरेट कर दिया है। एंड यहाँ पे फ्लावर पॉट में भी ऐसे फेक गार्लैंड को लगा दिया है। एंड गेट को आउटर साइड से ऐसा गेट लग रहा है। तो ये सारा डेकोरेशन मैंने इस साल नहीं खरीदा है, ये सब मेरा लास्ट ईयर का ही जो गार्लैंड थे ना उसी से मैंने डेकोरेट किया है। और ऐसे यहाँ पे दिए लगा दिए और इस बार हमने टी लाइट कैंडल्स को ही दिए के रूप में यूज़ किया है। एंड यहाँ पे ये जो दिया देख रहे हैं ना, अब ये जो मैंने बनाया था ये लास्ट ईयर बनाया था, लास्ट ईयर की दिवाली में अगर आपने व्लॉग देखा होगा तो उसी को मैंने यहाँ रीयूज़ किया है। तो ऐसा मेरा ये आउटर घर के बाहर का गेट का पोर्शन लग रहा है। होप यू लाइक दिस।
सो अब घर के अंदर का डेकोरेशन देखते हैं। बाहर से रंगोली और गेट ऐसा लग रहा था। एंड यहाँ पे मैंने डाइनिंग टेबल में, आपको लास्ट ईयर याद होगा तो ये मैं राजस्थान से लेके आई थी, तो ये कारपेट को मैंने डाइनिंग टेबल पे ऐसे डेकोरेट किया है। एंड ये टी लाइट कैंडल में मेट्रो से लाई थी, तो उसको मैंने यहाँ लगा दिया है एक ट्रे के साथ। तो ये ऐसा सिंपल एंड सुपर लग रहा है, क्योंकि ज़्यादा मैं नहीं कर सकती हूँ बिकॉज पृथ्वी के कारण। एंड यहाँ पे कॉर्नर बना दिया, यहाँ पे भी मैंने कैंडल्स लगा दी हैं और यहाँ पे कुशन कवर रख के। एंड ये जो टेबल मैंने अंदर से लाइट लगाया था वो ऐसा दिख रहा है, ये बहुत सुंदर लगता है। अगर आपके पास थोड़ी हैवी लाइट है तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। और बस ये लिविंग रूम ऐसा लग रहा है। इसका जो लिविंग रूम मेकओवर का वीडियो मैं जल्दी से जल्दी डालूंगी, मैंने कैसे किया है क्या किया है। एंड पीछे आप जो देख रहे हैं गार्लैंड, वो गार्लैंड मैंने लोकल मार्केट गरियाहाट से ही खरीदे थे और काफ़ी सस्ते मुझे मिल गए थे, शायद 300 रुपये में 6 पीस। तो ऐसे यहाँ पे मैंने लगा दिए ताकि फेस्टिवल का फील आए। एंड कुशन कवर्स हो गए, मैट्स हो गए, सब कुछ मैंने अमेज़ॉन से लिया है, सब अमेज़ॉन में चेक कर सकते हैं। तो ऐसे मैंने अपने लिविंग रूम को डेकोरेट किया है दिवाली के लिए। सो गाइज अभी हम लोग आए हैं ड्राइव पे, देवेश ड्राइव कर रहे हैं। चलते नहीं है, डर लग रहा था इसको। मुझे तो डर लग रहा था क्योंकि अभी तक पूरी अच्छे से देवेश को प्रॉपरली नहीं आई है। एंड गाइज मैं थोड़ा डर रही थी बट दिवेश ने काफ़ी अच्छे से ड्राइव कर लिया और हम लोग घर के आसपास चक्कर लगा के बस घर की तरफ ही जा रहे थे। एंड घरों के सामने बहुत अच्छी अच्छी लाइट्स लगाई हुई थी और यहाँ पे ना बंगाल में काली माता के स्टैचू रखा जाता है पंडाल्स में और पूजा की जाती है काली माता की दिवाली पे, जैसे कि हमारे उधर लक्ष्मी माता की जाती है। एंड यहाँ पे ये जो डेकोरेशन है लाइट्स वाला, वो जो दुर्गा पूजा से रहते हैं वो अभी तक ऐसे रहते हैं और बहुत सुंदर लगते हैं। एंड घरों के सामने भी पूरा ऐसे लाइट्स वगैरह लगी हुई थी, बहुत ही अच्छा लग रहा था। एंड मैंने आपको अपनी बैल्कनी नहीं दिखाई थी, तो बैल्कनी में हम लोग ने इस बार कुछ ज़्यादा नहीं किया, बस लाइट्स जो बिल्डिंग में लगी थी वो और हमने थोड़ी बहुत लाइट्स लगा दी ताकि अच्छा लगे, एक फेस्टिवल का फील आए। सो मैं ये प्रे करती हूँ इस नए साल में आपकी सभी की मेंटल एंड फिजिकल बोथ हेल्थ अच्छी रहे, आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और इन्जॉय करें लाइफ में। तो अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बहुत सारा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर ऑल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।